में आपका स्वागत है। आइए, नया हफ्ता है, बहुत सारी मसालेदार खबरें आपके सामने हाजिर है। मैंने आपसे बोला था 10,000 लाइक्स चाहिए, आप लोगों ने 11,000 किए। गुजरा तो डांस तो बनता ही है। अच्छा, मैंने क्या बोला था, मैं ऐसे करके, ये देखो, पहले तो अपना ऐसा डांस है, थोड़ा सा यूँ करते और एक ऐसा डांस है और एक अपना पीछे घूम के यूँ डांस है, तो अपन थोड़ा सा ऐसा 360 में करेंगे तो आपको थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, है ना। अगर घर में कोई देख रहा है, आपके साथ में कोई बड़े टीवी में देख रहा है, तो बोला इस चैनल पर अक्सर मुद्रा होते रहते हैं, तो उसको इग्नोर करना। बहुत सारे जबरदस्त खबरें चुन चुन के लेके आया हूँ, आपको बड़ा मजा आने वाला है, तड़का आपको फनी मिलेगा साथ ही साथ। और आपसे मैंने पूछा था कि भाई आप ये बताइए कि आपने हमारे चैनल को कब देखा है, कब सब्सक्राइब किया, तो अरे भाई लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, 2017, 2016, 2018, 2019, बहुत अच्छा लगा। बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने अभी हाल ही में एक दो साल की बात करी है। अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग मुझे पहले से फॉलो जो कर रहे हैं अभी भी मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। चलो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, बस आज का सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था पर वो सवाल निकल गया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके स्मार्टफोन के अंदर आप नेविगेशन बटन जो यूज़ करते हो, वो जेस्चर यूज़ करते हो या बटन्स यूज़ करते हो, ये मुझे बताना। मैं सिर्फ बटन्स यूज़ करता हूँ, मुझे जेस्चर जमता ही नहीं है, कमेंट में ज़रूर बताना। फटाफट से टेक्नोस स्टार्ट करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही वियर्ड खबर से। जापान के अंदर ओबोयाशी कॉरपोरेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंसानों को लिफ्ट के जरिए स्पेस में लेके जाएगी। आपने बिल्कुल सही सुना, 2050 में लगभग ये रेडी हो जाएगा, जिस पर वो काम अभी शुरू करने वाले हैं। और आपको 8 दिन लगेंगे नीचे से ऊपर स्पेस में जाने के लिए लिफ्ट के जरिए, वो जियो लेवल पर पहुंचने के लिए 8 दिन यहां पर लगेंगे। अब ये कैसे पॉसिबल होगा इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन सोचो दोस्तों, अगर लिफ्ट बीच में बंद हो गया तो हमारा क्या होगा। और अगर आपसे कोई पूछता है कि तेरा रिश्तेदार कहाँ गया, इनकेस अगर वो लिफ्ट में, तो आप लोग उसको क्या बोलेंगे, ऊपर, समझा। OnePlus की तरफ से इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। जब से OnePlus को ऑफलाइन मार्केट में बोला गया है कि ये फोन नहीं बेचेगा, ऑफलाइन मार्केट में लफड़े चल रहे हैं, तब से अंड शंड चीजें कर रहा है। लेकिन अब ऐसी होप आई है कि OnePlus जो है, बताया जा रहा है कि जियो मार्ट के साथ में वो पार्टनरशिप कर रहे हैं और जियो मार्ट में OnePlus के फोन्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। आप ऑफलाइन में भी जाके चेकआउट कर सकते हैं जियो मार्ट के अंदर, 2000 से ज़्यादा सिटीज के अंदर यहाँ पर ये अवेलेबल होगा, खास करके Tier 3 और Tier 4 वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो अगर आपको लग रहा था कि OnePlus वाले पगला गए हैं, ऑफलाइन मार्केट में प्रेजेंस खत्म हो गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। OnePlus वाले ने हाल ही में पार्टनरशिप किया और करना पड़ेगा, अगर ऑफलाइन में प्रेजेंस चाहिए तो ये खबर यहाँ पर अच्छी निकल कर आई है। साथ ही साथ OnePlus 13 और OnePlus 13R के कुछ स्कीमेटिक्स यहाँ पर लीक हो गए और देखकर दोनों भाई इस बार बिछड़ गए। कैसा? अक्सर सेम डिजाइन होती है, लेकिन इस बार OnePlus 13 जो है वो सर्कुलर कैमरा लेआउट के साथ आएगा और साथ में OnePlus 13R जो है वो रेक्टेंगल शेप में, आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिख रहा है, स्क्वायरिश रेक्टेंगल शेप में कुछ इस तरीके से कैमरा लेआउट होने वाला है। तो OnePlus आफ्टर अ लॉन्ग टाइम प्लान कर रहा है कि भाई हमारे फोन के डिजाइन हम चेंज करने वाले हैं, एक डिजाइन के साथ हम बोर हो चुके हैं, हम भी बोर हो गए थे, तो ये चीज यहाँ पर निकल कर आई है। और ये फोन इतना जल्दी नहीं, अभी आपको एंड ऑफ द ईयर देखने को मिलेंगे, लेकिन खबर थोड़ी देखकर लग रहा है कि डिजाइन के मामले में अच्छी है। इंडिया के अंदर चेन्नई के JEM हॉस्पिटल में एप्पल विजन प्रो का इस्तेमाल किया गया है सर्जरी के लिए। वाओ, एप्पल विजन प्रो के जरिए पेशेंट्स के जो इंटरनल ऑर्गन्स है ना, उसका मैग्निफाइड व्यू मिल गया उनको, और इससे उन्होंने भाई मतलब जो स्ट्रेन वगैरह है, वो एर्गोनॉमिक जो भी क्या क्या बोलते हैं, ये साइंटिफिकली और मेडिकल टर्म में मेरे को इतना समझता नहीं है, लेकिन वो सब रिड्यूस करके बहुत ही इजीली यहाँ पर उन्होंने इस सर्जरी को सक्सेसफुली परफॉर्म किया है। एप्पल विजन प्रो सर्जरी के टाइम पे पेशेंट तो पहले सोच रहा है कि चाचा तुमको पिक्चर तो नहीं देख रहे ना बैठ के, सही में डर तो लगेगा ना कि क्या हो गया चाचा को, लेकिन मालूम पड़ रहा है कि भाई तेरा ही भला कर रहा है, चुपचाप लेट रहे। तो ये चीज यहाँ पर हुई है, जो देखो पहले भी एक बार हुआ था, एप्पल विजन प्रो से सर्जरी सक्सेसफुल हुई थी, एक दूसरी खबर निकल कर आई है। स्मार्टफोन मार्केट शेयर को लेकर इंडिया में भाई ऐसी खबर आई है कि आपके होश उड़ने वाले। Q1 2024 यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों के अंदर लिस्ट आ गई है कि कौन बादशाह है और कौन गुलाम है। लेकिन यहां पर
पहली बार हिस्ट्री में वीवो बादशाह निकल कर आया है, जहां पर वीवो ने 19% मार्केट शेयर अचीव किया है। जलवा है हमारा, मेरे को लगता है पूरा क्रेडिट आईकू को जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि वीवो वाले वैसे इतना कुछ खास तो नहीं कर रहे, लेकिन आईकू ज्यादा अच्छा कर रहा है, ये क्रेडिट उसको मिलना चाहिए। उसके बाद शाओमी सेकंड नंबर पर है, जहां पर पोको को भी हम इंक्लूड करेंगे, और उसके बाद सैमसंग तीसरे नंबर पर आ गया। कभी सैमसंग पहले पे रहता है, कभी तीसरे पे रहता है, सैमसंग क्या कर रहा है समझ नहीं आ रहा है। लेकिन सैमसंग डेफिनेटली बहुत प्रोग्रेस किया है, अगर आज से 5 साल पहले देखेंगे तो सैमसंग कभी इस लिस्ट में था ही नहीं। बाकी ओप्पो और रियलमी नीचे अपनी जिंदगी में खुश है, उनको कोई मतलब नहीं है दुनिया से। ओप्पो तो बोल रहा है कि मेरे को कुछ करना ही नहीं है, ओप्पो वाले पता नहीं कहाँ खो गए, कौन सा नशा कर रहे हैं, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उनको थोड़ा सा उनके जो पोर्टफोलियो है उनको साफ करना पड़ेगा, जब जाके वो ऊपर आएंगे। ये खबर यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग। अच्छा, सबका बाप तो नथिंग निकला, 144% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मिला है। नथिंग बोलता है कि मेरे को तुम्हारे लिस्ट में आना ही नहीं है, मेरी दुनिया अलग चल रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इनमें से, इस लिस्ट में से वीवो, शाओमी, सैमसंग, ओप्पो, रियलमी, आप कौन से ब्रांड का फोन अभी फिलहाल यूज करते हैं, कमेंट में जरूर बताना। हाल ही में यहाँ पर एक बंदे ने इंडिया के अंदर अमेजोन से ऑनलाइन एक लैपटॉप मंगवाया, और इस बंदे के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया। बात यह है कि लैपटॉप उसने मंगवाया था 30 अप्रैल को, उसको 7 मई को ये लैपटॉप मिला, और उसको लगा कि भाई नया पेटी पैक लैपटॉप है, तो वो मजे से इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन ट्विस्ट कहां पर आया, जब वो वारंटी के लिए गया चेक करने के लिए, तो पता चला कि दिसंबर में तो पहले तो किसी ने इसको खोल के इस्तेमाल किया, oh, no! अंदर बस गेम वेम खेल के नेटफ्लिक्स के शोज देखकर बंद करके फिर डालकर दे दिया। ये क्या बात करता है यार? इस बंदे के हाथ में यूज्ड लैपटॉप आ गया, और ये कुछ 1 लाख का लैपटॉप था, और ये बंदे को थोड़ा सा फ्रॉड फील हुआ। अच्छी बात यह कि अमेजोन ने रेक्टिफाई किया और इस बंदे को रिप्लेसमेंट मिला। अमेजोन अच्छी ब्रांड है, मैं खुद पर्सनली अमेजोन प्रेफर करता हूँ, कभी कभार सेलर के साथ ये गलती हो जाती है, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो या अमेजोन हो, ये ब्रांड की गलती नहीं होती, उनके जो सेलर होते हैं वो लोग कांड करते हैं, कभी कभी डिलीवरी वाले भी कांड करते, होता है बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन ये बहुत दुखी वाली बात है। वैसे गूगल ने हाल ही में एक ऐसा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी डेवलप किया है जिसका नाम है डीप माइंड। ये बेसिकली क्या करता है, जो माइक्रोस्कोपिक मैकेनिज्म्स होते हैं इंसान के, जो ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स होता है, उसको प्रेडिक्ट करता है, उसको डीपली एनालाइज करता है। यानी कि सोचो AI अब बॉडी के अंदर भी जा रहा है और वहां पर भी AI का इस्तेमाल कर रहे ह्यूमन सेल्स को प्रेडिक्ट करने के लिए, जिससे जो फ्यूचर में डिजीजेस होती है उसको टैकल किया जा सकता है। मतलब ऐसे जो उनके पास मशीन से उसमें AI लगा है और वो ह्यूमन सेल्स को भी यहाँ पर जो वो अब रिकग्नाइज कर रहा है, इतना पावर यहाँ पर आ चुका है। ये गूगल ने यहाँ पर कर दिखाया है डीप माइंड, जो कि फ्यूचर में बताया जा रहा है कि साइंटिस्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक चीज़ यहाँ पर समझ नहीं आ रही है कि औरतों के अंदर जो सेल्स होते हैं, जो वुमेन्स होती है उनमें जो सेल्स होते हैं, अगर इसको कोई एनालाइज कर दिया ना, मैं डबल हाथ से ऐसे जिदले ही इलाही वाला सलाम करेगा। मोटोरोला एज 50 फ्यूजन, जी हाँ, इंडिया के अंदर 16 मई को लॉन्च होने वाला है मोटोरोला का अभी तक का सबसे इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन नजर आ रहा है। 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, स्नैपड्रैगन 7S जेन 2, 5000 mAh बैटरी, 68 वोल्ट चार्जिंग, स्टॉक एंड्रॉइड, आपको लॉन्गर अपडेट्स मिलेंगे और बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर होने वाले हैं। और मोटोरोला एक ऐसी ब्रांड है, लॉन्च से पहले सारे फीचर्स रिवील्ड कर देता है, दुनिया भाड़ में जाए हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमको जो बताना है हम बताएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर यहाँ पर एक हाइप जनरेट होता है, अरे कितने अच्छे फीचर्स है, अब प्राइस क्या होगी, इसके बारे में आपको वेट करना पड़ेगा हमारी अनबॉक्सिंग का। डिटेल में ये फोन आएगा तो आपको सब बताएंगे। नेटफ्लिक्स यूजर्स अलर्ट रहना, अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा फिशिंग स्कैम चल रहा है। भाई वो मच्छी पकड़ने वाला नहीं है, ये तो फिशिंग स्कैम थोड़ा अलग होता है। इसमें क्या होता है ना, आपको एक ईमेल आएगा और ईमेल में आपको बोला जाएगा कि आपका नेटफ्लिक्स एक्सपायर्ड हो रहा है, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, अपनी कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालना है और नेटफ्लिक्स को रिन्यू करना है, और आपको 90 डेज का एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव पीरियड भी दिया जाएगा। ऐसे लोगों को झांसा दिया जा रहा है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, लेजेंड्स जरा ध्यान से सुनना, जिनके पास जेन्युइनली नेटफ्लिक्स है, जो दूसरे लोग कांड किए मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, समझे ना। हाँ, तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी ईमेल आता है नेटफ्लिक्स की तरफ से, बोलता है कि भाई ऐसा है वैसा है, तो प्लीज इग्नोर करना। एप्पल
एप्पल हाल ही में दोस्तों ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जो कि हमें ऑन डिवाइस एआई की जगह सर्वर लेवल एआई यहां पर जो वो एप्पल प्रोवाइड करने वाला है। यानी कि अब जितने भी एआई हम स्मार्टफोन्स में देख रहे हैं वो ऑन डिवाइस होता है, सर्वर लेवल हमें देखने को नहीं मिलता। हालांकि वो बहुत डीप चीज है जिसके बारे में हम अगर बात करेंगे तो पूरा अलग से वीडियो बना सकता हूं मैं, लेकिन यहां पर एप्पल ऐसा करेगा कि अगर वो एआई इंटीग्रेशन सिस्टम लेके आएगा सर्वर लेवल पर तो वो अपने पुराने आईफोन्स के अंदर भी एआई को इजीली पुश कर सकता है। एप्पल ऐसा बोल रहा है कि हम पूरा एक अलग से यहां पर सिस्टम लेके आ रहे हैं एआई का जो हम खुद डेवलप करेंगे और हमारा खुद का सब कुछ होने वाला है, हमें किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं, यहां तक कि गूगल पर भी हम डिपेंड नहीं होने वाले। तो एआई को एप्पल ने सबसे ज्यादा सीरियस ले लिया है, सैमसंग ने उसके दिल पर घाव दे दिया है एआई को लेके आकर, और एप्पल बोल रहा है कि अब तेरे को छोड़ेगा नहीं, देख भाई क्या क्या करता है। तो पूरा के पूरा इन्वेस्टमेंट होगा और बहुत बड़ा प्लान कर रहा है एप्पल, सर्वर लेवल एआई सिस्टम लेके आएगा जो फ्यूचर में हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। Nothing Phone 3 ए स्किप किया ना, कैसा पकड़ा रंगे हाथों, कैसा बटन दबाता पट करके यूं, पूरा वीडियो नहीं देखने का, वॉच टाइम नहीं बढ़ाने का इसका, है ना। नहीं Nothing Phone 3 आया तो स्किप कर देने का, बहुत सारे लोग मैं जानता है स्किप किया रहेगा, छोड़ेगा नहीं, पाप लगेगा। तो खबर सुन लीजिए क्या है ना कि Nothing Phone 3 की तरफ से दो खबर आ रही है। एक तो ये स्मार्टफोन बड़ी ही जल्दी लॉन्च हो जाएगा Nothing Phone 1 और 2 की जो टाइमलाइन थी उससे पहले आएगा, और दूसरी चीज इसमें वापस से एक चीज कंफर्म्ड हो रही है कि इसमें Snapdragon 8s Gen 3 होने वाला है, तो ये चिपसेट यहां पर निकल कर आएगी ऐसा बताया जा रहा है। और चार्जिंग के मामले में इस बार आपको 100 वाट से ज्यादा चार्जिंग देखने को मिल सकती है, प्राइस भी उतनी ही ज्यादा होने वाली है, ये मैं खुद अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। तो ये चीजें यहां पर निकल कर आई है, तो देखते हैं कि भाई Nothing Phone 3 के इस बार क्या खास प्लान्स और क्या नई डिज़ाइन आती है, या Nothing वाले बोर हो जाएंगे क्योंकि हम भी वही सेम डिज़ाइन देख के अब बोर हो रहे हैं। Nothing Phone 1 तक अच्छा था, 2 में ठीक लगा, अब 2A में भी ठीक लग रहा है, लेकिन अब 3 में क्या करते हैं ये तो जब आएगा तो पता चलेगा। जैसे ही आज Realme वालों ने कंफर्म कर दिया कि उनका Realme GT60 इंडिया में 22 मई को लॉन्च होने वाला है, तो दूसरी तरफ Poco वालों ने भी कंफर्म कर दिया Poco F6 इंडिया में 23 मई को लॉन्च होने वाला है, उसके तुरंत एक दिन बाद। मतलब वो Poco Realme की मार्केट खाने के लिए आ रहा है, ऐसा Poco वालों ने यहाँ पर हिंट दे दिया है। अब Poco वाले में हमें पता है कि Snapdragon 8s Gen 3 होगा, Realme GT60 में Snapdragon Plus Gen 3 है, दोनों ही बहुत ही कड़े टक्कर वाले चिपसेट हैं और दोनों के फीचर्स में भी बहुत डिफरेंस है। तो देखते हैं कि कौन सा फोन यहाँ पर बाजी मारता है, अनबॉक्सिंग पूरी कोशिश करके आपको देंगे, फुल रिव्यू भी तैयार हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बन रहना। डील की बात करते हैं, अगर आपको एक बढ़िया सा ब्रेडेड केबल चाहिए जिसके ऊपर छोटा सा डिस्प्ले भी चाहिए, जी हाँ 4 फीट का लंबा सा केबल है, तो ये अवेलेबल है कुछ 1200 या 1500 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा। हाँ प्राइस बहुत ज़्यादा है लेकिन काम बहुत अच्छा करता है, आप जब चार्ज पे लगाते तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वोल्टेज की मिल जाती है कि अभी आपका फ़ोन कितना पावर में ये ले रहा है और कितना पावर आ रहा जा रहा है, तो समवॉट कहना कि ये चीज़ हेल्प करती है। अगर आपको ऐसी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। गेमिंग की बात करें तो भाई दो खबरें निकल कर आ रही है, एक तो सोनी का PlayStation 5 Pro इसी साल लॉन्च होने वाला है ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है। फिलहाल के लिए कोड नेम प्रोजेक्ट ट्रिनिटी है और इसमें परफॉर्मेंस पहले से बहुत बढ़िया लीप लेके आएगी, ऐसी खबरें निकल कर आई है। बाकी उसके बारे में और कुछ पता चला नहीं, अब देखते हैं कि इस साल आता है या 2025 में आता है। बाकी Asus ROG Ally, जो लोग अगर गेमिंग हैंडल के दुनिया में जी रहे हैं तो उनको बता दूं, ये इसका सक्सेसर आ रहा है Asus ROG Ally X, ऑफिशियली कंफर्म्ड हो चुका है जो जून के अंदर लॉन्च हो जाएगा, और अगर मेरे पास आता है ब्रांड कुछ भेजती है तो आपको इसके बारे में बताएंगे कि ये कितना मजबूत है। आप खेलते हो क्या ऐसे कुछ हैंडल गेमिंग पीसी वगैरह कुछ आपके पास है? मेरे पास लेनोवो का लीजियन गो है, अगर है तो कमेंट में जरूर बताना। क्या आपको बताएं दोस्तों, जो थिएटर आप देखते हो ना, मतलब वो मैं मूवी वाला थिएटर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग इकट्ठा होते हैं और लोग शोज में परफॉर्म करते हैं, इसको भी हम कभी कभी थिएटर बोलते हैं, इसको किसने इन्वेंट किया था? अरे हजारों साल पहले एंशियंट ग्रीक्स ने किया था। वहां पर जब पहले अगर उनको कुछ इस तरीके से करतब करने होते थे, लोग इकट्ठा होते थे और सामने वाला बंदा इस तरीके से लेजेंडरी डांस करता था, तो सब बैठ के देखते थे, बोले कि क्या चल रहा है, तब इसे इन्वेंट हुआ था। आज की डेट न्यूज खत्म होती है, मैं करता हूं आपको आज की डेट पसंद आएगी, पसंद आई आई ना ए आई ना लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।